सारे परिंद कबूतर है इस वाले जाल के, देखो कितने सारे लग रहे हैं भाई, और एकदम मस्त लग रहा है, पूरा आसमान सा भर गया है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई डेली की तरह पे आ चुके हैं, सुबह का टाइम है, तकरीबन 12 बज रहे हैं, ठीक है। और कबूतर उड़ा रखे हैं, और भाई आज कबूतर उड़ा रखे हैं अपने, ठीक है। और धूप भी आज अच्छी खासी आ रखी है। अगली वीडियो में ना सभी भाइयों को कमेंट करके बताऊंगा अगर उसका रिजल्ट अच्छा मिला तो। अगर उससे कबूतर की थोड़ी हल्की सी भी भाई उड़ान में फ़र्क आया ना, तो आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। पानी दिया है कोई ठंडा, वो बहुत नॉर्मल है भाई, अधिकतर भाइयों को पता ही होगा। फिलहाल अपने कबूतर उड़ रहे हैं। ये देखो भाई, छत से दिखा रहा हूँ शौक आपको अपने, ये रहे, ठीक है। और आज भक्ति उस्ताद जी के भी उड़ रहे हैं कबूतर, जो कि ये रहे, अभी उनकी जस्ट छत के नीचे ही उड़ रहे हैं भाई कबूतर, लेकिन अभी पट्टी मारेंगे, बहुत ही प्यारी। ये देखो ये आ रहे, धूप ज़्यादा हो रही है, दिख नहीं रहे। ये देखो भाई, ये रे कबूतर भक्ति उस्ताद जी के, और अपने ये रे कुछ कबूतर कट चुके हैं। ये देखो, ये चल रहे अपने कबूतर, ये देख लो भाई, कमेंट करके बताना भाई कैसे लगे, ठीक है भाई। ये देखो ये चल रहे, मैं बैठा हुआ हूँ नीचे वाली छत पे, यहीं से शौक कर रहा हूँ कहाँ कबूतर है कहाँ नहीं है। अभी ऊपर जाके भी दिखाऊंगा अभी सभी भाइयों को कबूतर कहाँ चल रहे हैं। यहाँ से जब कबूतर इस साइड आता है ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक तभी दिखता है। ये देखो ये जा रहे, ये गए भाई, देखो पट्टी अच्छी चला रहे हैं कबूतर मेरे हिसाब से अभी तो। बाकी देखते हैं कब तक टिकते हैं। 12 बजे उड़ाए थे भाई कबूतर, और अभी तकरीबन 2 या 2:30 बज रहे हैं, देखता हूँ मैं, 2:30 बज रहे हैं तकरीबन, मतलब बजने ही वाले हैं भाई 2:30, ठीक है। और कबूतर बिल्कुल अच्छे चल रहे हैं अभी, ये देखो ये रहे, ये देखो भाई, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कबूतर थक गया हो, बिल्कुल हल्की परवाज करते हुए। देखो भाई, वो गर्दान कबूतर उड़ा दिए मैंने अपने, कम पर हैं फिर भी उड़ गए। ये देखो ये गर्दानों की टुकड़ी है, और इससे ऊपर भाई वो कबूतर लगे हुए हैं जो पहले उड़ा रखे थे, ठीक है। वो भी दिख नहीं रहे हैं, वो चमक रही जीरी मद्रासन एक, वो भाग रही भाई, वो जा रही। ये उतरा अपना स्लेटी पट्टा, आ जा बेटे। और बाकी कबूतर सही उड़ रहे हैं भाई, मज़ा ही आ गया आज तो। ये देखो, ये तो मैंने अभी उड़ाया गर्दान, ठीक है। इसमें एक दो कबूतर आ गए हैं भाई, वो वाले जो पहले से उड़ा रखे हैं पट्टे अपने, ठीक है। बाकी कबूतर अपने इससे भी गायब है, मतलब दिखना बंद है। चलो देखते हैं कब तक आते हैं, लाइव अपडेट देता रहूँगा भाई, कबूतर कब उतरा कब नहीं उतरा। कम परों में भी कबूतर ऊँचा चला गया हमारा, देख लो भाई गर्दान। अभी एक गट टोएंगे ना तो दिखाता हूँ भाई, वैसे मुश्किल ही होंगे। वैसे देखो 2-3 कबूतर और आ गए अपने, ये देखो भाई, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कबूतर दिख भी नहीं रहा, देख रहे हो भाई, ब्लर हो रही है। भैया अब कबूतर उतर रहे हैं, देख लो उड़ गए कबूतर आज भी, 3.5-4 घंटे या 3.5 घंटे उड़ गए कबूतर ये वाले। और गर्दान तो भाई बहुत देर पहले से ही उतर गए, और कबूतर खुले हैं भाई, जबकि देख लो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भाई मैंने क्या दिया था कबूतरों को, पानी ठंडा, जिससे कबूतर अच्छा उड़ा था हमारा, ठीक है। ये देख लो अभी भी भाई कुछ कबूतर रह गए हैं उड़ने उतरने में, जैसे ये जीरी मद्रासन देख लो भाई, वो दुआज पट्टा, और एक वो उड़ रहा ऊपर, मतलब 4-5 अभी भी रह गए हैं भाई जो उड़ा रखे थे सबसे पहले से। ये देखो भाई ये होप करता हूँ कि आप सभी को दिख रहे होंगे, क्योंकि भाई धूप इतनी ज़्यादा है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, कैमरे में भी नहीं आ रहे कबूतर धूप की वजह से। ये जीरी मद्रासन है भाई, एक कबूतरी और उतर गए भाई, ये देखो जीरी मद्रासन, ये बैठी भाई अट्टे पे। अभी भी 2-4 कबूतर रह रहे हैं, जो कि वो भी उतर ही रहे हैं, देख लो भाई। और भाई बिना किसी चीज़ के, कोई चिकनावा कोई वगैरह कुछ ना कुछ कुछ भी नहीं दिया अभी ने, इतना कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो मैं अभी सभी भाइयों को मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में बता दूँ कि मैंने क्या दिया था भाई कबूतरों को। तो भाई मैंने कबूतरों को ना उड़ाने से पहले, मतलब सारे कबूतरों को 10-10 ml ग्लूकोज पानी बना के दिया था, जो ग्लूकोन डी नहीं होता जो पीते हैं घरों में सबके भाई, वो ग्लूकोज का पानी बनाया और 10-10 ml सारे कबूतरों को दिया उड़ाने के लिए, जो उड़ाए थे सबसे पहले कबूतर,
उनको दिया, उससे भाई ये हुआ कि इनकी एनर्जी बनी रही और एनर्जी बूस्ट हुई इनकी, कि इन्हें धूप में उड़ने की एनर्जी मिली रहे, ठीक है। और जो नशे पत्ते की गोली लगती है भाई, वो हम लगाते नहीं है, क्योंकि भाई कबूतरों की उड़ान पे भरोसा रखो। अगर आप कबूतर अच्छे बनाओगे ना, तो अपने आप उड़ान देगा आपको बिना किसी गोली, बिना किसी चीज़ के। ग्लूकोन डी जो होती है ये तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, कबूतरों की भाई एनर्जी बूस्ट करने के लिए होती है। इससे कबूतरों को भाई कोई दिक्कत भी नहीं होती, ठीक है। इससे कबूतर में जान भी बनी रहती है भाई उड़ते वक्त, ठीक है। बाकी कबूतर देख लो अपने चल रहे हैं, अभी दो तीन चार रह रहे हैं शायद, दिख भी नहीं रहे, उतर रहे हैं दो तीन कबूतर। तो दिखाता हूँ भाई, आएंगे जब दिखाऊंगा, अभी तो पीछे पीछे हैं कबूतर। इधर के एरिया में आएंगे तब तो भाई दिख जाते हैं, और पीछे से रहेंगे ना तो पीछे के कहाँ से, छत पे जाके ये दिखते हैं पीछे से। देखो ये रही एक, ये उतर रही हरी मद्रासन, एक ये पट्टा देखो भाई कलपरा, दो ये रे देख लो भाई, चार कबूतर हैं, मतलब नहीं चार नहीं भाई दो और हैं, मतलब कबूतर उतरे ही कहाँ, गर्दान वाले पुराने वाले उड़ ही रहे हैं। मैं तो सोच रहा उतर गए सारे इनके साथ ही। ये देखो बैठ नहीं रहे कबूतर, खुले हैं, जबकि भाई देख लो पूरी छत पे कबूतर खुला हुआ है। ये देखो भाई घूम रहे हैं यही होती है भाई अच्छे कबूतरों की पहचान, जो खुले कबूतरों में भी उड़ते ही रहे। देख लो भाई ये उतरी हरी, और उसके बाद उतरा है सफ़ेद पट्टा, उतर जा ए। ये देखो उतर गया, चल बेटे। और भाई आज देने वालों में कबूतरों को नहान, देख सकते हो तब मैंने रख दिया है इनके नहाने का, और जल्दी से इसमें पानी भरते हैं और दिखाते हैं आप सभी भाइयों को कि कबूतर कैसे नहाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पानी वगैरह मैंने फुल भर दिया है इसमें, अब देखते हैं कबूतर कैसे आएंगे धीरे धीरे नहाने के लिए, ठीक है। सारे भाई वीडियो में बने रहना, ठीक है, एंड तक देखना भाई। एक कबूतरी आ चुकी है नहाने, अब देखो भाई इसकी देखा देखी कबूतर आएंगे और नहाने धीरे धीरे, क्या पता। इन कबूतरों को भाई वैसे मैं नहान वगैरह रखता नहीं हूँ, ठीक है, बहुत ही टाइम हो गया होगा इन्हें, मैंने पता नहीं कब से नहान नहीं दिया भाई कबूतरों को, तभी ये नहान कर भी नहीं रहे। अभी देखते हैं नहाएंगे तो वीडियो में बताते हैं। भाई कुछ ही कबूतर नहाए, कबूतर नहाए भी नहीं यार, पता नहीं क्यों नहाए नहीं कबूतर। अगर इनको डालता ना गोलों को तो ये नहा लेते, अब इनका भी कैंसिल हो गया, इनको भी नहीं नहलाऊंगा आज। कबूतर नहाए नहीं भाई सारे, क्योंकि पता नहीं ये भूल गए हैं नहाना है, पता नहीं क्या हुआ भाई, कमेंट करके बताना। नहान दे रहा था, नहान इन्होंने करी नहीं, बस चार पाँच कबूतरों को छोड़ के बाकी कोई कबूतर ही नहीं नहाया। ये देखो भाई शाम को छत पे चढ़ाऊँ और कबूतर उड़ा दिया अभी। ये देखो भाई कितने कबूतर लग रहे हैं इसमें, संतोष भाई के कबूतर भी और हमारे भी कबूतर है भाई देखो, और ये हमारे सारे परिंद कबूतर है इस बार। तो दोस्तों अब हमने गोले कबूतर खोल दिया और इनका दाना वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, इनको दाना वगैरह दे रहे हैं भरपेट। और भाई और ढाल पे यही होता है कबूतरों को, जितना ज़्यादा खिलाओगे उतना तगड़ा रहेगा कबूतर अंदर से, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ, जब तक कबूतर दाना छोड़ ना दे तब तक दाना डालते रहो, ठीक है भाई। वो रह गई, और भाइयों एक पटियाला कबूतर उतर चुका है बाहर का चोटीदार, ये देखो ये रहा, पकड़ लो भाई आराम से पकड़ लो इसे, और बड़ा खूबसूरत कबूतर है। भाई मक्खा वक्खा डालो भर के, पकड़ता हूँ आज मजे में बंदी यार भाई, है ना। आ, आ, आ। डाल 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 भर के डाल दे। देख लो भाई नीला छोटी यार, नीला छोटीदार पटियाला भाई, और कलर लग रहा है इसकी बाजुओं में एकदम ही आया भाई शाम को, एकदम से घुस गया कलर लग रहा है भाई। देखो इसके भी हरा एक साइड और एक साइड लग रहा है गुलाबी, जैसे हमने अपने मद्रासी कबूतरों के कर रखा ना सेम टू सेम वैसे ही कलर लग रहा है इसके भी।
चिटिया चिटियादार भाई, चोटीदार पटियाला पकड़ा नीला आज मादी ना नहीं नरे मादी।